एक छोटा सा गांव था। गांव में एक वृद्ध साधु थे जो गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में कन्हैया की पूजा अर्चना करते और प्रतिदिन सायंकाल नियम पूर्वक अपनी झोपड़ी से निकलकर मंदिर जाते और भगवान के सम्मुख दीपक जलाते। उसी गांव में एक नास्तिक व्यक्ति भी रहता था। उसने भी प्रतिदिन का नियम बना रखा था दीपक बुझाने का। जैसे ही साधु भगवान के सामने दीपक जलाकर मंदिर से घर लौटते, वह नास्तिक मंदिर में जाकर दीपक को बुझा देता। साधु ने कई बार उसे समझाने का प्रयत्न किया, पर वह कहता, भगवान है तो स्वयं आकर मुझे क्यों नहीं रोक देता, बड़ा ही नास्तिक है तू, कहते हुए साधु भी निकल जाते। यह क्रम महीनों वर्षों से चल रहा था। एक दिन की बात है, मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था। आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साधु ने बहुत देर तक मौसम साफ होने की प्रतीक्षा की और सोचा, इतने तूफान में यदि मैं भीगते परेशान हुए मंदिर गया भी और दीपक जला भी दिया तो वह शैतान नास्तिक आकर बुझा ही देगा, रोज ही बुझा देता है। अब आज नहीं जाता हूँ, कल प्रभु से क्षमा मांग लूंगा, वैसे भी भगवान कौन सा दर्शन दे ही देंगे। ये सब सोचकर साधु ने मंदिर ना जाने का निश्चय किया और घर में ही दुबका रहा। उधर नास्तिक को पता था कि साधु मंदिर जरूर आएगा, दीपक जलाएगा। वह अपने नियत समय पर मंदिर पहुंच गया। घंटों प्रतीक्षा करता रहा लेकिन साधु नहीं आया। अंत में क्रोधित होकर नास्तिक ने निर्णय लिया कि मैं दीपक बुझाकर ही दम लूंगा, भले ही मुझे खुद जलाकर क्यों ना बुझाना पड़े। यह सोचकर उसने वहां रखे दीपक में घी भरा और उसे जला दिया। बस फिर क्या था, भगवान उसी समय प्रकट हो गए। बोले, उस साधु से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास तो तुम्हारे अंदर है, इतने तूफान में भीग कर भी तुम यहाँ आ गए। आज ही तो मुझे आना था, जो आया उसने पाया। यही तो कहा है कबीर ने, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ वैसे ही पा जाते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। तो सोचिए और अनुसरण कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे हम एक अच्छी बात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।